एक औरत ने वो कर दिखाया जो शिवसेना के 40 रेबेल एमएलए ना कर सके, और उसकी इस दिलेरी के लिए हम सल्यूट करते हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि आज सुबह 7 बजे एक्सप्रेस न्यूज सर्विस में एक आर्टिकल आया जिसकी एक कॉपी है, उसमें ये बताया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने वर्षा रावत जो कि संजय रावत की वाइफ है उन्हें समन भेजे कि आपको थर्सडे 4 अगस्त तक ईडी ऑफिस में आना है और आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है। ये तो सभी जानते हैं कि संजय रावत जो सिटिंग राज्यसभा मेंबर है पिछले 4 टर्म से शिवसेना की तरफ से उद्धव बाला साहब ठाकरे की शिवसेना, और वर्षा रावत यस्टरडे 6 अगस्त 2022 ईडी ऑफिस में 10:45 पे अपेयर हुई और तकरीबन 10 घंटे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर ने 10 घंटे वर्षा रावत से तहकीकात करी और बिल आखिर रात को 8:45 पे उन्हें अपने घर जाने की इजाजत दी। संजय रावत लास्ट 1 अगस्त मंडे 2022 से ईडी की कस्टडी में है और वो 8 अगस्त तक के लिए बढ़ाई गई है कोर्ट के आदेश के मुताबिक। और संजय रावत को जो अरेस्ट किया गया है ईडी की तरफ से गोरेगांव पतरा चाल है, उसके अंदर इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत अरेस्ट किया गया, तहकीकात जारी है। तो अब वर्षा रावत को भी उसी सिलसिले में बुलाया गया है और हमने भी इससे पहले काफी वीडियो बनाए थे जो गोरेगांव पतरा चाल है एचडीआईएल की तरफ से जो महाड़ा ने उसको दी थी डेवलपमेंट के लिए और उसने कितना पोर्शन उसका अदर बिल्डर को बेचा था, तो हमने इसका वीडियो बनाए थे और काफी पॉपुलर भी हुआ था। तो वर्षा रावत वो अपनी बेटी के साथ ईडी ऑफिस में अपेयर हुई और उन्होंने 10 घंटे तक ईडी ऑफिसर्स के सवालों के जवाब दिए। मसला है 2.25 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख रुपए का मसला है कि इनको ये पत्राचार जो है गोरेगांव की उसने संजय रावत को बिल्डर लॉबी की तरफ से पैसा मिला। न्यूज पर में बताया गया है कि संजय रावत ने इन रिसेंट पास्ट अलीबाग में एक प्लॉट खरीदे थे जिसकी कीमत थी 2.25 करोड़ रुपया। 1.17 करोड़ रुपया संजय रावत ने कैश पे किए और जो बाकी का है 1.80 करोड़ रुपया वो वर्षा रावत के अकाउंट से था। तो ये जो दास्तान है, ये जो ट्रांजेक्शन है, ईडी ने लास्ट थर्सडे 4 अगस्त को कोर्ट में बयान किए और वर्षा रावत जो बैलेट पेपर ईडी की ऑफिस में गई थी यस्टरडे 6 अगस्त को सुबह 10:45 और जब 8:45 पे जब ईडी ऑफिसर ने बोले आप घर जा सकते, तो उन्होंने मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहे कि मैंने फुल कॉपरेशन की ईडी ऑफिसर को इन दिस रिगार्ड्स और मुझे और कोई सम्मन नहीं मिला है। और उसने ये भी कही, वर्षा संजय रावत ने ये भी कहे कि हाँ उद्धव बाला साहब की जो शिवसेना है उसका साथ कतई नहीं छोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक फैमिली वुमेन विद मीडिया पर्सन जबकि उनका हस्बैंड ईडी की कस्टडी में, वो ये बात कह रही है कि हाँ उद्धव बाला साहब ठाकरे का जो कि शिवसेना के हेड है उसका साथ हम नहीं छोड़ेंगे चाहे हमें इस तरीके की कितनी भी कठिनाई हो। न्यूज़पेपर के आखिर में बताया गया है कि जो संजय रावत सिटिंग राज्यसभा मेंबर जिन्हें 1 अगस्त मंडे 2022 को अरेस्ट किया गया था और उसके नेक्स्ट डे 2 अगस्त को ईडी ने मुंबई के 2 अदर लोकेशन पे रेड कंडक्ट करी और जो अक्यूज पकड़े गए, जो अदर्स पकड़े गए, तो उन्होंने इस स्कैम से जो पैसे कमाए थे उन्हें कैश में कन्वर्ट किया।
तो हम ये कहना चाहते हैं कि मामला है 2,25,00,000 रुपए का। गोरेगांव पतरा चाल का जो ये स्कैम हुआ है उसमें 2,25,00,000 रुपए का मामला है और यहां पे तो हजारों करोड़ों का स्कैम हो रहा है और ना जाने कितने मिनिस्टर्स, लीडर्स, राज्यसभा लोकसभा के मेंबर्स ना जाने कितने केसेस में इन्वॉल्व है, रेप में, करप्शन में, एक्सटॉर्शन में। तो वहां मोदी सरकार का ध्यान नहीं जा रहा है और पूरा फोकस हो रहा है शिवसेना के जो उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो नेता है, लीडर्स है, मिनिस्टर्स है, जो मिनिस्टर्स थे या जो एमएलए थे या संजय राउत जैसा एमपी, इन पे पूरा फोकस ईडी कर रही है। तो शायद एक तरफा कुछ जलसी बोलो या बहस बोलो या जो भी बोलो या शिवसेना को खत्म करने का इरादा बोलो, इस तरीके से ये कुछ हो रहा है जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है, देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है और हमारी देश की तरक्की के लिए भी अच्छा नहीं है।